नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Redmi Note 13 Pro 5G मोबाइल है और आप उसमें स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो या फिर रीस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि जब भी मैं इस पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो देख पा रहे हो कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ़ोन मेरे पास Redmi Note 13 Pro 5G मोबाइल है और जैसे मैं इसको देखिए प्रेस किया पावर बटन को, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, गूगल का असिस्टेंट आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, यानी कि आपको पावर बटन से स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है ये जो पावर बटन है इसको अगर आप 0.5 सेकेंड तक प्रेस करते हो तो ये आता है और आपको इसी बटन को 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। तो देखिए पहले ये आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर स्विच ऑफ करने का ऑप्शन। देखिए पावर ऑफ, ऊपर की तरफ करोगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, नीचे की तरफ करोगे तो रिबूट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर जो है स्विच ऑफ कर सकते हो।